अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज का हमारा यही क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है। अब इस एक्सरसाइज से हमारी जान छूट जाएगी और नेक्स्ट हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे हम, इस 5a को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। चले आइए, अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। क्या आ जाएगा? 7 एज इट इज ही आपने वैसे का वैसे लिख देना है। एक्स प्लस 2a ये सॉल्व का स्क्वायर है। अब यहाँ पे गौर करो, ये इस तर्ज अमल पे है, a प्लस बी ऑल का स्क्वायर। ये a वाली वैल्यू है, ये b वाली वैल्यू है, मिगे ऑल का स्क्वायर। ये सबसे पहले क्या आएगा आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए वाली वैल्यू एक्स है, बी वाली 2a है, मीन जहाँ a की वैल्यू है वो क्या लिखूँगा, a वाली वैल्यू आपके पास क्या है, x का स्क्वायर है। और b का स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर, मीन के b की वैल्यू क्या आपके पास 2a है, इस का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस है, प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, और a आपके पास क्या है, x है, और b वाली आपके पास क्या है, 2a है। इसको आपने एक ब्रैकेट में, और प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज ही आ जाएगा। इस 5a को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 7 35, 7 5 35, साथ में a और x दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 5a को आपने 23 a से ज़रब देनी है, तो आपके पास क्या है, 5 को 23 से ज़रब दो, मैं यहाँ दे के देखता हूँ ज़रब, 5 से ज़रब, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 115 आ जाएगा। अब आपके पास ये 5 को 23 से ज़रब दो, 115, साथ में a और ये a है, क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a का स्केयर हो जाएगा। अब इसको आपने ओपन करना है, एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4, और ये जो स्केयर है 2 के ऊपर भी और a के ऊपर भी है, मीन के a का भी स्केयर हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 4, a और x साथ में आ जाएंगे। इसको ब्रैकेट में अभी रखना है क्योंकि ये 7 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3a का स्केयर है इज इक्वल टू 35 ए एक्स प्लस 115, मीन के 115 ए का स्केयर। अब यहाँ पे क्या देखिए, 7 को मल्टीप्लाई कर देना आपने, 7x का स्केयर हो जाएगा। 7 को 4 से करो तो आपके पास 28 आ जाएगा ए का स्केयर, 7 को फिर 4 से करो तो आपके पास 28 ए एक्स आ जाएगा, प्लस 3a का स्केयर है। अच्छा, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने ये दोनों वैल्यू हो इधर इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे ले आने, तो यहाँ के ये क्या हो जाएगा, 35 ए एक्स, ये इधर आके 115 भी माइनस हो जाएगा, इधर इस साइड पे क्या बचेगा आपके पास, 0। अब एक्स स्केयर वाली ढूंढनी है, आपने एक्स स्केयर वाली इनमें से कोई भी नहीं है तो वो आपके पास एक्स 7x स्केयर एज इट इज ही रह जाएगा। अब फिर एक्स वाली ढूंढनी, एक एक्स वाली ये वाली है और एक एक्स वाली ये वाली, इनको प्लस माइनस करते हैं, माइनस का 35 है, प्लस का 28 है, क्या बनेगा आपके पास, माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू वाली अलामत आती है, 35 में से 28 आपने निकाले, 7 साथ में ए एक्स आ जाएगा, वो जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज़ यार क्या आ जाएगा, ए एक्स। अब ए स्केयर वाली, ये सारी कॉन्स्टेंट है, ए स्केयर, ये ए स्केयर वाली नहीं, एक ये है, एक आपके पास ये है, एक ये है। अब आपने क्या करना है, ए स्केयर 3a, 3a स्केयर 28a स्केयर, यह क्या बन जाएगा, 38 बनेगा, 28 प्लस 3 31 बनेगा, 115 में से आपने 31 माइनस कर देना है, ये 4 1 कैरी, इधर 11 हो गया, 11 में से 3 के आपके पास 8 आ जाएगा, 84, ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 84 एक, मीन कि इसको आपने अलामत बड़े वाले लगानी, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने स्केयरिंग कंप्लीटिंग स्केयर वाला रूल अप्लाई करना है। तो कंप्लीटिंग स्केयर में क्या होता है, जो आपके पास एक्स स्केयर के साथ इसको 1 बनाना है, एक्स के साथ, तो आपने 7 पे सबको डिवाइड कर देना है, सबको आपने 7 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7 7 कट गया, 7 7 कट गया, यहाँ एक्स स्केयर बचा, यहाँ ए एक्स बचा,
तो इसको 7 पे कैंसिल करो, ये क्या हो जाएगा 7 वन सेवन वन जा सेवन वन कैरी सेवन टू जा ये 12 आ जाएगा, 12 ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो को जिससे भी डिवाइड करो आपके पास क्या आ जाएगा। अब एक्स स्केयर के साथ तो 1 आ गया। सेकंड रूल ये था कि आपने वो जो कांस्टेंट है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। करो ज़रा इसको सॉल्व, एक्स स्केयर माइनस ए एक्स है, ये जो आपके पास कांस्टेंट 12 ए स्केयर इधर प्लस माइनस हो रहा है उधर जाके दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। अब थर्ड रूल ये था कि जो एक्स के साथ जो जो भी कांस्टेंट आए उसका आपने हाफ लेना है, मीन के 2 पे डिवाइड करना है। एक्स के साथ क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो ए को आपने 2 पे डिवाइड करो तो वो कटेगा नहीं, वो ए बाई 2 ही आ जाएगा। ए बाई 2 अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़े स्टेप पीछे से आपने वो देख लेना कि कैसे कर। अच्छा ए बाई 2 का स्केयर दोनों तरफ आपने ऐड करवा देना, ए बाई 2 का स्केयर दोनों तरफ ऐड करो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनको सॉल्व करो। इसका कंप्लीट स्केयर करने के लिए क्या करते हैं, वो जो फार्मूला आपके पास प्लस वाला है अगर इधर माइनस आ जाए तो 2ab के साथ माइनस आ जाए। अच्छा यहाँ पे क्या माइनस वाला फार्मूला लगेगा, मैंने क्या कहा था कैसे फार्मूला कंप्लीट करना है, आपने x फिर सेकंड की अलामत और से थर्ड आपने a बाई 2 इधर इस सारे का ऑल का स्केयर बना देना। ये 12 ए स्केयर है प्लस ए का स्केयर बाय क्या आ जाएगा 4, ए का स्केयर बाय ए सही निकल ए का स्केयर बाय 4। अभी इन कैल्शियम लेके हमने सॉल्व करना है, मैं उसको मिटा दूं ताकि इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अच्छा अब एक्स माइनस ए ओवर 2 ये एज इट इज ही लिख देना आपने, साल का स्केयर है ए ठीक करके लिखो। अच्छा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 नीचे 4 है तो वो 4 ही इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर लेना, इधर कर रहा हूँ 4 2 8 4 1 4 48 क्या बनेगा 48 साथ में क्या है ए स्केयर है, क्या है ए स्केयर, ये नीचे 4 और ये वाला 4 एलसीएम वाला कट के 1 बचा, 1 को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा ए स्केयर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये 48 प्लस ये 1 ए स्केयर, 48 प्लस 1 49 ए स्केयर आ जाएगा, 49 है ए स्केयर, नीचे क्या है आपके पास 4 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास एक्स माइनस ए बाय 2 है इस ऑल का स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करना है, स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने क्या लेना है, स्केयर रूट लेना है, ठीक है स्केयर रूट, ये x माइनस ए बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट लो तो वो 7 आएगा, ए स्केयर स्केयर अंडर रूट से कट के आपके पास a आ जाएगा, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2 होता है, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक दफा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेना, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 7a प्लस 2 बाई 2, ये एक दफ़ा प्लस में आ गया, मैं कि इसको प्लस लिखो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस ए बाई 2 और इसको एक दफ़ा आपने 7a बाई 2 माइनस के साथ लिखा। अब इनको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7a बाई 2, ये a बाई 2 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 कट गया 7a प्लस 2 कट गया a आ जाएगा, 7 प्लस 1 8a बाय 2 a का आपका आंसर ये वाला आ गया। और यहाँ इसको आप खुद भी निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस 7a बाय 2 है, ये a बाय 2 इधर माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा 2, इनका एलसीएम 2 आएगा, 2 कट गया क्या बचेगा आपका माइनस 7 है, ये भी 2 कट गया क्या बचेगा माइनस 7 प्लस ए क्या हो जाएगा माइनस 7 है प्लस 1 है, ये क्या माइनस 6 ए हो जाएगा बाय में 2 है, और ये क्या हो जाएगा 2 6 से कट के माइनस 3 ए आ जाएगा, मीन 6 ये 6 2 3 जा 6 होता है, एक एक्स की वैल्यू ये है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं कि यहाँ पर 2 इससे कटा 4 बनेगा, मैं कि एक्स इज इक्वल टू 4 ए आपकी वैल्यू आ जाएगी।